يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. Verily, in the life of Rasulullah, the best example. Student Islamic Organization of India के leaders और SIO के इस program में शरीक शाहीन सिफत जवान अजायम नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, जिसने अरब की जमी सारी हिला दी। वो उतर के हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्खे की मियाँ भी साथ लाया। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। अजीज साथियों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, उनसे अटूट मोहब्बत करना, अपने बाप और अपने बेटे, अपने तमाम रिश्तेदारों और अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, ओबीडियंस करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर चलना, इत्तेबा करना, ये ईमान का, इस्लाम का, दीन का अहम लाजमी हिस्सा है। इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल है, न इस्लाम मुकम्मल है, न दीन मुकम्मल है। याद रख लीजिए कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा अटैचमेंट, वाबस्तगी, ये रिलेशनशिप न सिर्फ इस दुनिया की कामयाबी के लिए ज़रूरी है बल्कि आखिरत की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफिए महशर कहते हैं, साफिए कौसर कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जन्नती होंगे, उनको अपने हाथ से आप कौसर पिलाएंगे, कौसर के हौज पे पानी पिलाएंगे। तो वो उन खुश नसीब लोगों में शामिल होना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना पड़ेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस बात पर राज़ी हो गया कि उसका रब अल्लाह है और उसका दीन इस्लाम है और उसका नबी और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसने ईमान का मज़ा चख लिया। ज़ाफ़ा तामल ईमान, ईमान का मज़ा चख लिया। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम उस चीज़ पर राज़ी हो जाओ जो मैं लेकर आया हूँ तो तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लेकर आए हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लाए हैं बताइए? इस्लाम, कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अगर ये चीज़ें हम थाम लेंगे तो हमारे लिए जन्नत वाजिब है। जन्नत का शौक़ और जन्नत का ख्वाब हम देखना भूल गए। टीनेजर्स, टीन एज में हैं आप, टीनेजर्स के आँखों में ख्वाब होते हैं, दिन के ख्वाब होते हैं और वो जो दिन के ख्वाब होते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। दिन के ख्वाब कामयाबी की तरफ ले जाते हैं, रात के ख्वाब सिर्फ फैंसी वर्ल्ड में घुमा कर ले जाते हैं, दिन के ख्वाब रियल वर्ल्ड में कामयाब करते हैं। हमको ख्वाब होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हर जगह गालिब हो जाए, हर जगह छा जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमारे लिए एक बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट मॉडल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे, बचपने में कुछ लोगों ने कहा चलो मेला देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ हो गए। लेकिन रास्ते में एक झाड़ के नीचे लोगों ने तय किया कि थोड़ा आराम करके जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद लगी, आँख लग गई और सब लोग छोड़कर मेला चले गए। यानी बचपन में भी अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें लघवियात से महफूज रखा। और जो नबी होता है, रसूल होता है, जो दूर जाने वाला मुसाफिर होता है, वो सुबह ही से जो है अपने सफ़र का आगाज़ करता है। नबी और रसूलों को बचपन ही से अल्लाह तबारक व तआला अपने प्रोटेक्शन में, अपने शेल्टर में रखता है। इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में भी लघवियात से परे पाक थे। आज देखिए, पबजी, टिकटॉक,
नए नए किस्म के स्नैपचैट फला 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 जो चीज़ों में आज पड़ी हुई है नस्ल, पूरे टीन एज तबाह है। हर चार बच्चों में से एक को ऐनक नजर आएंगी आपको, या फिर ऐनक नहीं लगाए तो चेकअप कराए तो ऐनक जरूर लगेगी। उसकी वजह क्या है? एक छोटा सा डिवाइस है जिसके पीछे पूरी जिंदगी घूम रही है हमारी, ना हमको अब्बू पसंद है ना अम्मी पसंद है, बस वो छोटा सा डिवाइस है जो हमारा दोस्त भी है, हमारा यार भी है, हमारा साथी भी है, हमेशा साथ रहता है, उसी के पीछे हम तबाह हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थोड़ा सा यंग एज पे आए तो उन्होंने देखा कि मेरे चचा इनको बहुत बच्चे हैं और आमदनी कम है, तो इन्होंने कहा कि मैं आपके जानवर चराने के लिए जंगल ले जाऊंगा, मैं आपके काम में हाथ बटाऊंगा। तो यंग एज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बेस्ट एग्जांपल थे कि वो फाइनेंशियल एंगेजमेंट में लग गए और कुछ माश कमाने, कुछ रेवेन्यू कमाने जनरेट करने के लिए अपने चचा को साथ देने के लिए तैयार हो गए। हमारे टीनेजर्स वो सेल्फ सफिशिएंट हों और वो जल्द अज जल्द अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करें। छोटे से जॉब से शुरू कीजिए, तरक्की होगी, आगे बढ़ेंगे। इंजीनियरिंग करके चार चार साल तक फिरते हैं अच्छी जॉब की तलाश में, जब छोटी सी जॉब से स्टार्ट करेंगे आप तो आगे बढ़ेंगे। MBBS आपने कर लिया, हाउस सर्जनशिप हो गई, छोटे से क्लिनिक से शुरू कीजिए, छोटे से हॉस्पिटल से सर्विस शुरू कीजिए, प्रैक्टिस शुरू कीजिए और आगे बढ़िए। ये नबी अकरम सासम की ज़िंदगी में हमें मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कारोबार करने की उम्र को आ गए, मैच्योर हो गए, यमन और शाम के सफ़र करने के लिए तैयार हो गए, तो वो शाम और यमन का सफ़र किया करते थे जो मक्का से 100 किलोमीटर दूर हुआ करता था, तकरीबन 1000 किलोमीटर या उससे ज़ायद। उतनी मसाफत तय करके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बिजनेस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद यही था कि सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं और वो फाइनेंशियल इंगेजमेंट में या रेवेन्यू जनरेशन में आगे बढ़े। ये जो है दरअसल हमारा भी जो है ना मामला होना चाहिए कि हमको भी जल्द अज जल्द स्टेबलाइज होना चाहिए फाइनेंशियली भी और सोशली भी। तो उस वक़्त तक आप अनएम्प्लॉयड रहेंगे जब तक आपकी वैल्यू नहीं रहेगी सोसाइटी में, आप वैल्यूलेस रहेंगे। जब आप कोई काम से कारोबार से फन से लग जाएंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये नबी अकरम सासम की ज़िंदगी में हमें सबक मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके कैरेक्टर को देखकर, वो जिसके साथ बिजनेस करते थे, उन्होंने खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने जो दो शोहरा उनके इंतकाल कर गए थे, उन्होंने पयाम भेजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत खदीजा की शराफत की वजह से बड़ी उम्र के होने के बावजूद उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गए। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मक्का के हालात के अंदर परेशान रहते थे कि कोई सूद में पड़ा हुआ है, कोई रिश्वत में पड़ा हुआ है, कोई गंदगी और नंगेपन में पड़ा हुआ है, कोई ये बुराई में है, कोई वो बुराई में पड़ा हुआ है, बुराइयाँ इतनी फैली हुई हैं कि इनको दूर कैसे किया जाए। सोशल एविल्स, मॉरल एविल्स फैले हुए हैं, मॉरली सोशली करप्ट हो गई है सोसाइटी, हर बुराई उनके अंदर आ गई है, वो ह्यूमैनिटी के लेवल से गिर गए हैं और वो जानवर की तरह जो है ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऐसे इल मैनर और इल कल्चर सोसाइटी के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस्लाह के लिए कोशिश की और वो फ़िक्रमंद रहते थे, उसी लिए गारे हिरा में जाके बैठते थे, दो दो तीन तीन दिन तक बैठते थे, गौर फिक्र करते थे, स्ट्रेटजीज वर्कआउट करते थे कि क्या किया जाए, सोचते थे, पॉन्डर करते थे और मसाइल को हल करने के लिए फ़िक्रमंद रहते थे। खामोश और मेडिटेशन के अंदर एक पावर पैदा होता है, मेडिटेशन के अंदर एक इंटरनल पावर पैदा होता है जिससे स्टेबिलिटी पैदा होती है, इसीलिए वो जाके बैठते थे और वहाँ पर मेडिटेट करते थे। लेकिन जब नबी अकरम सासम नबी बन गए, कहा गया या अय्युहल मुद्दसिर कुम फांदिर, ओढ़ लपेट के सोने वाले उठ जाइए, आप कहाँ पैर फैला के सो गए, आपको तो सारे जहाँ को चौकन्ना करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत देना है, व रब्बका फकब्बिर, अल्लाह और रब की बड़ाई का ऐलान करना है, आप कहाँ सो गए। नबी अकरम सासम उस तारीख से जो उठे बिस्तर से तो कभी नींद भर सोए नहीं,
किसी भी रात मुकम्मल रात नहीं सोए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक फिक्र एक तड़प रहती थी। बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा मैंने आधी रात में आँख खुली तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हुजरे में ना पाया। जब मैंने हुजरे के बाहर देखा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे और आसमान को देख रहे थे और कह रहे थे कि ऐ अल्लाह, आसमानों और ज़मीनों का पैदा करने वाले, तेरी बड़ाई को लोग नहीं जानते, तेरी वहदत को नहीं पहचानते, तेरी अजमत को नहीं जानते, तुझ पर लोग ईमान नहीं लाते। तो ये तड़प फिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। वही फिक्र है कि बेचैन कर देती है, कोई नया काफिला आके मक्का से खाली गुजरने ना पाता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते और दावत देते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब साथियों की तरबियत की तो ऐसी तरबियत की कि एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, आप कब दुआ कीजिएगा, हमको सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अरद के बेटे खब्बाब, तुम बहुत जल्दी मचाते हो, तुमसे पहले ऐसे लोग गुजरे हैं जिनको जमीन में गाड़ के आधा काट दिया जाता था आरे से, जिनके जिस्मों पर लोहे की कंगियां चलाई जाती थी जिससे वो लहूलुहान हो जाते थे। वक्त का रसूल पुकार उठता था, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, तुम बहुत जल्दी मचाते हो। वो दौर आने वाला है जबकि सना से हजरे मौत तक एक लड़की सोना उछालते हुए जाएगी, उसको अल्लाह के खौफ के अलावा किसी और का खौफ जमीन पे नहीं होगा। वो ऐसी जस्ट सोसाइटी, ऐसी पीसफुल सोसाइटी बनने वाली है, कायम होने वाली है। उसी को एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीन कहते हैं, उसी को फॉर्मेशन ऑफ इस्लामिक गवर्नमेंट कहते हैं, कि वो दौर आए कि लोग अमन अमान महसूस करें, अपने हकूक को, अपने राइट्स को वो महफूज सेफ समझे और कोई किसी को दबाए नहीं, कुचले नहीं, हर कोई एक दूसरे की कद्र करे, एक दूसरे को इज्जत की निगाह से देखे, एक दूसरे की अजमत और वक़ार का ख्याल रखे, एक दूसरे की डिग्निटी का ख्याल रखे। ऐसी सोसाइटी, जस्ट और पीसफुल सोसाइटी का विजन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को दिया। वो विजन के साथ जब लोग निकले तो हिजरत का जब मौका आया तो मैं बताता हूँ इंस्टेंसेस कैसे। एक ऐसी शख्सियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में आई जो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के नाम से जानी जाती है। उन्होंने कहा कि ऐ मक्का वालों, सुन लो, मैं मक्का छोड़ के मदीना जा रहा हूँ, हिजरत करने जा रहा हूँ, अगर किसी माई का लाल के अंदर अगर जुरत है, हिम्मत है, तो आए मेरे से मुकाबला करें। कोई अपनी बीवी को बेवा बनाना चाहता है, बच्चों को यतीम बनाना चाहता है, तो आज मुझे रोक के बताए। इस धड़ल्ले के साथ, इस कॉन्फिडेंस और ब्रेवरी के साथ वो वहां से निकलते हैं। एक और साहबी हैं, हिजरत करते वक्त लोग पकड़ लेते हैं, कहते किधर चले, सुहेब रूमी रजी अल्लाह अन्हु, तुम तो रूम से आए थे, आए वक्त गुलाम थे, माल कुछ भी नहीं था, यहीं से तुमने माल कमाया है, यहीं की लड़की से शादी की है और यहीं बच्चे पैदा किए हैं, ना तो तुम माल लेकर जा सकते हो, ना बीवी ले जा सकते हो, ना औलाद लेके जा सकते हो, सब यहीं के यहीं छोड़ कर जाओ। हजरत सुहेब रूमी की तरबियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे की थी। हजरत सुहेब ने कहा, ये माल ले लो, ये मेरी बीवी को रख लो, ये मेरे बच्चों को रख लो, जान रखो मैं तीरंदाजी में बहुत माहिर हूं, अगर अब कोई रोकेगा मेरे को तो मैं सीधे उसकी आंख में तीर मारूंगा। निकल गए वहां से सुहेब रूमी, कोई नहीं रोका। ये जुरात, ये हिम्मत, ये तरबियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। इसीलिए हम कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं। ये जो है अल्लाह ताला बोल रहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, कह दो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से कि अगर वो इस बात का दावा करते हैं कि मुझसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो उनको आपकी इत्तेबा करना पड़ेगा। इत्तेबा का मतलब है फुट स्टेप्स फॉलो करना। अरब में होता था, काफिला जाता था तो उस काफिले के पीछे दूसरा काफिला जाता था, नक्शे पा ऊंटों के कदम और इन आदमियों के कदम देखते हुए काफिला जाता था, इत्तेबा उसको कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते पर चले, फुट स्टेप जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसको फॉलो करते हुए जाना है।
इसको सहाबा ने बहुत बखूबी अंजाम दिया। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु जवान थे, ईमान नहीं लाए थे, ज़िरा पहन के जंग करते थे। जब जो है वो अधेड़ उम्र को पहुंच गए और इस्लाम की तरफ से जंग करने लगे, मुसलमान हो गए थे, ज़िरा नहीं पहनते थे, प्रोटेक्शन। किसी ने पूछा कि हमजा तुम जवान थे, फुर्तीले थे, एक्टिव थे, उस वक्त ज़रूरत नहीं थी तुम्हें ज़िरा पहन के अपने आप की हिफाजत करने की, तुम ज़िरा पहना करते थे और आज एज्ड उम्र में आ गए हैं जबकि वो क़ुव्वत और जवानी की ताकत बाकी नहीं रही है, तो तुम क्यों अब ज़िरा जो है नहीं पहनते हैं। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हिस्टोरिकल स्टेटमेंट दिया था, एक तारीखी जुमला कहा था। उन्होंने कहा कि मैं पहले ईमान नहीं लाया था, ये सोचता था कि अगर मर जाऊं तो ये लज्जतों भरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आज ये सोचता हूं कि आज इस राह में मारा जाऊं तो लज्जतों वाली ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए, जन्नत में चला जाऊं। ये पैराडाइम शिफ्ट है, ये थॉट प्रोसेस इस तरीके से चेंज होता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर चलने के नतीजे में। आज आपसे और मेरे से यही मुतालबा है, इस्लाम का यही मुतालबा है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा पे चले, उनसे वफा के दावे करें। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कार्टून निकलता है तो हम सर कटाने के लिए तैयार है, लेकिन याद रख लीजिए कि नबी अकरम सासम की कोई तालीम पर अमल नहीं होता है या किसी तालीम के साथ खिलवाड़ होता है तब भी हम सर कटाने के लिए तैयार हैं, और हम जाने अनजाने कोई नबी अकरम सासम की तालीम के साथ नाकदरी नहीं करेंगे, उसकी डीवैल्यू नहीं करेंगे, उसको उसकी वैल्यू को कम नहीं करेंगे। ये आज इस्लाम का मुतालबा है, तकाजा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे उहद के अंदर बड़ी मुश्किल में आ गए, तीरे मुख्तलिफ सिमतों से चल रही है। हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन ने उन्हें उठा के ऊंचे मुकाम पर बिठाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर एक तीर, तेज तीर लगा जिससे सामने के दो दांत शहीद हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुर्बानी दी लेकिन इस्लाम पे जमे रहे, फिर लोगों को नसीहत की और फिर लोग फिर से जंग किए। इस तरीके से जंगे खंदक में एक सहाबी आए, बोले या रसूलल्लाह भूख से तड़प रहा हूँ, अब पत्थर नहीं फोड़ा जाता, ये देखिए कमर झुक रही है, कमर को सीधे रखने के लिए पेट पे पत्थर बांधा हूँ बैलेंसिंग के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहबंद उठा के बताया, दो पत्थर बंधे हुए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो वो कहाँ है चट्टान, नहीं टूट रही है मैं तोड़ूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, कुदाल मारे, चिंगारियां उड़ी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यमन के महलात मुझे दे दिए गए, मुझे फारस दे दिया गया, मुझे कैसर दे दिया गया, किसरा दे दिया गया। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विजन था। इस जंग के बाद जो कि सख्त ठंडी विंटर कैंप चल रहा है, वो विंटर सीजन में ये जंग हुई थी, जंग खंदक, सख्त विंटर था, ठंडी हवाएं चलती थी, खाने को खाना नहीं था लोगों को, मक्का का मुहासरा पूरे दुश्मन कर लिए थे, मक्का वाले सिर्फ 3,000 थे और बहुत सारी मदीना के अतराफ में 10,000 लोग मदीना की बस्ती पे हमला करने के लिए आ गए। खंदकें खोदी गई उनको रोकने के लिए, वो अंदर दाखिल ना हो जाए, खंदकें खोद के जंग की, बड़ी सख्त जंग थी। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रोल मॉडल बेस्ट एग्जाम्पल पेश किया, उसी के बाद ये आयत नाजिल होती है सूरह अहज़ाब की। अहज़ाब का नाम भी खंदक है, जंगे खंदक का नाम जंगे अहज़ाब भी था क्योंकि वो जंग में खंदकें खोदी गई थी, वार ऑफ ट्रेंच कहते हैं, और उसी जंग में ये जो है मुख्तलिफ फौजें आ गई थी, तो इसीलिए उस जंग का नाम जंगे अहज़ाब भी है। अल्लाह ताला ने नबी सासम के लिए कहा लखत काना लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमारे लिए बेहतरीन नमूना, हर एस्पेक्ट से, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, मॉरल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, चाहे वो बच्चे हो या टीनेजर्स हो, यंग हो या फिर एज्ड हो या फिर ओल्ड हो, हर उम्र के लोगों के लिए, हर तबके के लोगों के लिए, हर क्लास के लोगों के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी रोल मॉडल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि रोल मॉडल थे, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुंवारी लड़की से भी शादी की, बीवी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा,
मुतल्लका औरतों से भी शादी की जिनको तलाक दे दिया गया, बेवा औरतों से भी शादी की जो बेवा हो गई थी जिनके शोहर मर गए थे। ये जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है हर एस्पेक्ट से, और इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अटैचमेंट, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेशनशिप हमको जो है बेहतर अंदाज में अंजाम देना है। सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह तफसीर लिखे इन द शेड ऑफ होली कुरान फी ज़िलाल कुरान। सैयद कुतुब शहीद वो लीडर थे इख़वानुल मुस्लिमून के, मुस्लिम ब्रदरहुड के, उनको क़ैद में डाल दिया गया और उनसे कहा गया कि आपको हम छोड़ सकते हैं एक शर्त पर कि आप अपॉलोजी लेटर लिख दें कि मेरे से गलती हो गई थी, मैं हुकूमत के खिलाफ बोला था, अब मैं नहीं करूँगा आइंदा से, एक अपॉलोजी लेटर लिख दें। उन्होंने कहा कि जिस हाथ से मैंने अल्लाह की किताब की तफसीर लिखी है मुझे शर्म आती है कि उसी हाथ से ये बातिल के सामने झुक के माफ़ीनामा लिखूँ। फांसी पे चढ़ना पसंद किया उन्होंने। ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करना पड़ेगा। हसन बन्ना शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया कम उम्र में। जब शहीद किए तो पूरी सिटी के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया, मर्दों को निकलने हरकत करने की इजाज़त नहीं थी, घर की ख़वातीन नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए लेकर गई और तदफीन करवाए, सिर्फ एक बूढ़े उनके बाप को इजाज़त दी गई जिन्होंने तदफीन किया हसन बन्ना शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। मौलाना मौदूदी अली रहमा को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बड़ा पोस्ट ऑफर किया गया, मौलाना मौदूदी ने वो पोस्ट कबूल नहीं किया। इसके बिलमुकाबिल अल्लामा इकबाल की दावत पर दारुस्सलाम पठानकोट पहुँच गए, वहाँ पर एक ऐसे इस्लामी निज़ाम, एक ऐसे इस्लामिक स्टेट का ख्वाब अल्लामा इकबाल और मौलाना मौदूदी ने देखा कि वहाँ से वो काम करेंगे। उसी की बुनियाद पर जमात इस्लामी कायम की गई। जमात इस्लामी के क़याम का मकसद यही है टू इस्टेब्लिश द दीन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, वो दीन अद्दीन फ्रॉम एडम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही एक दीन जो हर दौर में हर नबी ने हर रसूल ने लेकर आया। उनकी शरीयतें, उनके रिचुअल्स अलग थे, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग थे, लेकिन दीन कोर मैसेज कोर टीचिंग्स वही थी दीन की जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए। रहती दुनिया तक उसी दीन को फॉलो करने में हमारी कामयाबी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं कि कस की मिसाल हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। यहाँ पर उस्मान अली खान साहब की हुकूमत थी, उस हुकूमत के खिलाफ बबांगे दुहल बोलने वाले बहादुर यार जंग उठे। बहादुर यार जंग ने अवाम के अंदर इत्तेहाद पैदा करने, अवाम के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने की उन्होंने कोशिश की और अनथक मेहनत की। गाँवें गाँव जाते थे और इस्लाम की दावत देते थे। बहुत काम, बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत खिदमत अंजाम दी बहादुर यार जंग ने। और बहादुर यार जंग कहते थे आज इस्लाम को महलों के नक्शो नगार नहीं चाहिए, बुनियाद के पत्थर चाहिए। इस्लाम को आज शो पुटअप करके, दाढ़ी रख के, टोपी रख के, झुब्बा पहन के फिरने वाले मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम को ऐसे मुसलमानों की ज़रूरत है जो सेक्रीफाइस कर दे अपनी लाइफ को और वो प्रायोरिटी उनके लिए दीन हो जाए, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी दीन हो जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी दीन का काम हो जाए। ये जो है ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है, क्या है, लौह कलम तेरे है। खैसर और किसरा के महलात जेरे नगी आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराखा से कहा था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए आए थे ऊँटों की लालच के इनाम में पकड़ने के लिए आए, हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं आपके हाथों में खैसर और किसरा के कंगन देख रहा हूँ, जो बादशाह पहना करते थे उस वक़्त, शहनशाह पहना करते थे। वो हजरत उमर के दौर में सारा माल आया। हजरत उमर ने कहा वो कंगन कहाँ है, ढूंढो, जो बादशाह पहना करता था, शहनशाह पहना करता था। तो लोगों ने ढूंढा तो जूतों में निकले, जूतों में वो कंगन जो बादशाह के हाथ में होते थे, शहनशाह के एम्परर के हाथ में होते थे, उसकी वैल्यू ये हो गई थी कि वो जूतों में थे पड़े हुए। वो निकाल के 92 साल के सुराखा को, जो 92 साल में पहुँच गए थे, उनको पहनाया गया क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत सुनाई थी। ये जो है आप हर चीज़ इस्लाम के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं, अज़्म करें,
आप यही उम्र में बहुत कुछ कर सकते हैं। याद रखिए, मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध पर हमला किए, 17 साल नौजवान थे सिपा सालार, 17 साल का नौजवान। अकबर आजम, अकबर द ग्रेट कहते हैं, उनके अकायद उनके मामला से हमको बहस नहीं है, लेकिन अकबर द ग्रेट जो शहीनशाह बने 13 साल की उम्र में, उनके अब्दुर्रहीम खान खाना नाम के उस्ताद थे, सरपरस्त थे, उनकी सरपरस्ती में 13 साल का बच्चा शहीनशाह दहली बन गया, शहीनशाह सल्तनत मुगलिया बन गया। तो ये जो है ये एज है, दिस इज द राइट एज, आपको उठ खड़ा होना है और अज़्म करना है, रिजॉल्व करना है कि हम मैं दीन के लिए करूंगा, हर चीज कुर्बान करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। ये बहुत जरूरी है। तहरीक इस्लामी के एक साहब को जिम्मेदार बनाया गया, उनके घर में उनकी वालदा से इजाजत लेने के लिए गए, तो वालदा के कानों को सुने नहीं आ रहा है, आंखों को दिख रहा नहीं है, ज़ईफ वालदा है जिनकी खिदमत करना जरूरी है वहां रहकर। और बताते हैं लोग कि वो माँ जो है जो दो पट्टी की चप्पल पहनी थी, घसी हुई चप्पल थी, हवाई चप्पल पहनी हुई थी, वहां जाके कहते हैं कि आपके बेटे के ऊपर हम एक जिम्मेदारी डाल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तो उनको कान को सुने नहीं आ रहा था, आंख को बराबर नहीं दिख रहा था, जब जोर से उनसे कहा गया तो आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को मैंने बड़ा इसी नीयत से किया कि वो दीन के काम आ जाए, दीन का काम करे। ये जो है कुर्बानियों की जरूरत है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है का मतलब यह है कि मोहम्मद आसम से अटैचमेंट और उसके फिर रिक्वेस्ट्स को पूरा करें, उसके तकाजों को पूरा करें, उसके लिए तैयार हो जाए, हमतन मसरूफ हो जाए। हमारे अमीर जमात इस्लामी हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम कर सकते थे, एक मल्टीनेशनल कंपनी के फाइनल राउंड में भी पहुंच गए थे, आज वो वहां रहते तो एक बेहतरीन एम्प्लॉय या बहरहाल ये कि एक मशीन चलती फिरती मशीन बन जाते थे, या बोल कॉरपोरेट गुलाम बन जाते थे। लेकिन उन्होंने वहाँ तय किया कि मैं ये नहीं काम करूँगा, मैं आज़ादाना काम करूँगा। आज पूरे हिंदुस्तान की तहरीक की जिम्मेदारी कमान संभाल रहे हैं, अल्लाह ताला उनसे वो खिदमत ले रहा है। कुर्बानी देना पड़ेगा साथियों, अज़्म करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, तहरीक को लॉन्ग टर्म में कुछ देना है आपको। आप ही में मैं फजलुर रहमान फरीदी को देखता हूँ, मैं आपके अंदर नजातुल्ला सिद्दीकी को देखता हूँ, आपके अंदर अब्दुल हक अंसारी को देखता हूँ। शर्त यह है कि आप तैयार हो जाए उसके लिए, इंशाल्लाह तहरीक का काम होगा, दीन इस्लाम का काम होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का यही तकाजा है कि हम तहरीक के लिए जुड़ जाएं और दीन इस्लाम को गालिब करने के लिए हमतन मसरूफ रहें, हमारे स्टडीज के साथ हम करियरिया के शिकार ना हो जाए। मलेरिया से ज्यादा खतरनाक बीमारी करियरिया है, करियर बनाने की बीमारी के अंदर पड़ जाएंगे तो याद रखिए आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आपको एक अच्छा मुसलमान बनना है, इस्लाम का एसेट बनना है, तहरीक का एसेट बनना है, करियर तो खुद ब खुद पीछे चलते हुए आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।